सो हेलो गाइस आज की इस वीडियो में Vivo बाई हंड्रेड ए के अमेजिंग फीचर्स बताने वाला हूं और आज की जो वीडियो है पार्ट टू होने वाली है आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप वहां से जाके जरूर से देख लेना जैसे गाइस आपका फोन चोरी हो गया कभी तो आप उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप में जो डिलीट एवरी मैसेज होती है उन्हें आप कैसे पढ़ सकते हैं वो सारा कुछ बताऊंगा और आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो वीडियो कॉल की क्वालिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं उसमें फेस में आप फेस ब्यूटी कैसे लगा सकते हैं वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको पता ने वाला है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना मेरा नाम एहसान है और आप देख रहे हैं टेक्टो तो एहसान चैनल चलिए आप वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे सब पहले फीचर्स की बात करें तो गाइस सिर्फ फोन की सेटिंग में ही आना है और यहाँ पर नोटिफिकेशन में आ जाइएगा और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नोटिफिकेशन हिस्ट्री वाला आपको ऑप्शन मिलेगा इसकी मदद से ना आप जो डिलेड वाली मैसेज होती हैं डिलेट एवरी वन मैसेज उन्हें आप ट्वेंटी फोर हावर्स के अंदर में देख सकते हैं किसी ने डिलीट कर दिया मैसेज व्हाट्सअप में तो वो आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आके देख सकते हैं और जो नोटिफिकेशन हिस्ट्री आप देखो आप स्टेटस बार में आए और बहुत सारी जो नोटिफिकेशन रहती हैं वो ऐसे स्वाइप कर देते हो आप उनको आप चाहते हैं देखना फिर से

में कलर रहता है ना आइकन वगैरह के उनको आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से यू कलर को चेंज कर सकते हैं जैसे कि आपका जो फोन का कलर है सारा का सारा सेटिंग वगैरह में आप जाके ये देखेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा अब अगले फीचर्स में देखो फिर से आपको प्रिंट आउट करना है और आप होम सेटिंग में चले जाना इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो ड्रावर आप चाहते हैं अपने फोन में ऐसे इस तरह से निकले करके तो वो ड्रावर लगा सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड मोड में करेंगे तो सारे के सारे जो एप्लीकेशन है वो सारे के सारे आपके होम स्क्रीन में ही रहने वाले हैं इसी के नीचे कहीं आपको एक राउंड कार्नर एंड आइकन स्टाइल वाला ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि आप आइकन का जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हैं या फिर जो कार्नर है आइकन के वो उन्हें आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं स्क्वायर में या राउंड में वो सारा कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं या फिर आपको साइज चेंज करना है आइकन वगैरह का छोटा बड़ा करना है साइज को तो वो भी आप कर सकते हैं अब देखो अगले फीचर्स की बात करें तो आप देखो स्टेटस बार में जो इस तरह से स्वाइप करते हो ना और स्टेटस बार निकल के आ जाता है तो वो आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन वाला यहाँ पर आप स्टेटस बार चूज कर लेना इसके बाद में आप आधी स्क्रीन में ही इस तरह से करेंगे होम स्क्रीन में तो आपका जो स्टेटस बार है वो निकल के आ जा

आता है अब आपका फोन जेब में रखा है और आपने अपने फोन को निकाला तो आपको पावर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका फोन चालू हो जाएगा राइट टू बेकअप की मदद मतलब से इसे आप चालू कर लेना अब अगली की बात करें तो जैसे कि आपका फोन चालू है और स्क्रीन में आप डबल टैप करेंगे तो आपका फोन बंद हो जाएगा और आपका फोन बंद है और आप बंद स्क्रीन में डबल टैप करेंगे स्क्रीन में तो आपका फोन चालू हो जाएगा इसके लिए आप देखेंगे दो फीचर्स मिल जाते हैं आपको डबल टैप टू बेक और डबल टैप टू ऑफ वाला जो दोनों फीचर्स को आप चालू कर लेंगे तो जो मैंने आपको बताया है वो वाले फीचर्स काम करने लगे

तो जो आपका फेस है ना बहुत ज्यादा अच्छा आने वाला है, इस वाले से। आपको करने में ही आना है और इसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फ्लैश फॉर इनकमिंग कॉल मतलब कोई इनकमिंग कॉल आएगी तो फ्लैश लाइट भी जलेगी बिलिंकिंग करने वाली कोई इनकमिंग कॉल आती है तो इसे भी आप चालू कर लेना अगली फीचर्स की बात करें तो आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर सिस्टम सेटिंग में चले जाना यहाँ पर आपको नेविगेशन बटन का ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि जो नेविगेशन बटन है नीचे वाली उन्हें आप हाइड करना चाहते हैं या लेफ्ट राइट -right करना चाहते हैं तो वो कर कर सकते हैं हाइड लेंगे तो आप साइड से स्वाइप करेंगे तो बैक होगा और इस तरह से करेंगे तो आप आप होम स्क्रीन में आ जाएंगे इसे भी ट्राई करके जरूर देखना अब अगले फीचर्स के लिए गाइस आपको अपने फोन की सेटिंग में ही आना है और सेटिंग में आने के बाद में आप सर्च करना यहाँ पर रैम करके आप रैम सर्च करेंगे तो आपके फोन में आठ जीबी रैम है या फिर छह जीबी रैम है तो आप एट जीबी आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपकी एट जीबी प्लस एट जीबी सिक्सटीन जीबी रैम आपकी बढ़ जाएगी आपको अपने फोन को एक बार आपको कौन सा लगा मुझे करके जरूर बताना और हाँ वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके को प्रेस करना मत भूलिएगा और यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन में जो वीडियो देखने को मिल रही है इसे आप क्लिक करके जरूर देखिएगा मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय थैंक्स फॉर watching this video.